सही नहीं हुआ बाबूजी, इतना कुछ हो गया बीजी के साथ और हम बस देखते रह गए। कहते तू ठीक रहा है पुत्र, कुछ तो करना ही होगा। ईमानू किसी न किसी कीमत पर आज ही रिहा कराना पड़ेगा। शेखर, मिला किसी का फोन? लगी नहीं रहा कॉल। मैं फिर से ट्राई करता हूँ वकील साहब को और वो साकेत जी को भी। एक मिनट। हाँ लगता है शादी हो गई, लेकिन ऐसे अचानक सब लोग कहाँ चले गए? अरे दादू, सब लोग कहाँ गए? अरे तू बता पुत्र, तू कहाँ थी? एक बड़ी मुसीबत आ गई, तेरी दादी को पुलिस वाले पकड़ करके पुलिस थाने ले गए। क्या पुलिस? क्यों दादू? अरे टेंट वाला था ना, अरे वही जो अजय की सगाई में आया था, उसकी माँ आई थी। उसकी माँ ने तेरी दादी पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? भगवान जाने कैसे, पर तेरी दादी के गहनों में उसके झुमके बरामद हो गए। दादू हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। कितना सन्नाटा, कहाँ गए सब लोग? रोका वोका होगा भी या नहीं? अपने घर वालों से मेरी शिकायत तो नहीं कर रही? दादू आप किसी पुलिस वाले को जानते हो? अरे कोशिश तो कर रहा है। मैं जानता हूँ पुलिस वाले को, लेकिन अभी फोन नहीं लग रहा ना, तो हमें पुलिस स्टेशन ही चलना। पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन की बात क्यों कर रही हैं लोग? कहीं ये लड़की पुलिस से मेरी कंप्लेंट तो नहीं करना चाहती? देख लिया रवि, ऐसी स्टूपिड इडियट लड़की को तो जॉब दिलाई है। एक तो बात को समझते नहीं, ऊपर से इतना एक्सट्रीम एक्शन लेती है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले यहाँ से बचकर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, फालतू में फंस जाऊंगा। और साकेत उसी में समझा लूंगा, लेकिन अभी यहाँ से मेरा निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग निकलते हैं। चल पुलिस स्टेशन ही चलते हैं। चल चल। ये मैडम जी साइन कीजिए। मैं क्यों करूँ साइन? चोरी तो उसने की। और मैडम ये साइन हम इसलिए करवा रहे हैं, जो आपके झुमके थे ना वो आपको वापस मिल गए। कर लीजिए आप। भगवान के लिए पुलिस स्टेशन में चुप रहना सरोजी, दिमाग और जुबान दोनों पर काबू रखना। क्यों बेटी, आज की है तेरी आवाज को चूहे खा गए? उस दिन तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, कहा था ना मैंने अपने लालच को लगाम दे, कहते मेरे 4 लाख खा गए। उस दिन सब्जी मंडी में मेरा खर्चा कराया, इतने में तेरा पेट नहीं था, मेरे झुमके हड़प गई, वो छड़ नहीं सकती मैं तेरे को। इसके लिए मेरे बेटे ने पहली कमाई से खरीदे थे मेरे लिए, 15,000 के हो 15 लाख के हो, मेरे लिए तो अनमोल है ना। तेरी बुद्धि शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करती है? जी तो करते है ना, थप्पड़ मार मार के ना इसका मुंह तोड़ दूं। बस एक बार सकेत जी को आने तो फिर से बताती हूँ मैं। ओ मैडम जी, ये लड़ रहे हो आप आपस में? अरे ये मोहल्ला ना है, पुलिस स्टेशन है, आप लोगों को शर्म आपकी चीज नहीं है? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करा करो। एक बात तुम्हें लड़ने लग जा है, लगता है वो बेवकूफ बिना किसी बात के मुझे पुलिस थाने के चक्कर लगाएगी। खैर वो सब तो बाद में देख लूंगा, पहले माँ को बता दूं कि मैं साकेत के रोके के लिए काफी देर तक रुका, पर वो खुद आया ही नहीं, बोर हो गया इसलिए मैं चला आया। वरना साकेत भाभी से कुछ कहेगा, भाभी माँ के कान भरेगी और फिर माँ मेरे कान खींचेगी। हेलो माँ। हेलो भाई, शोर कैसा है, आप हो कहाँ पर? वो मैं ना वो सब्जी मंडी वाले पुलिस थाने में। आप उतर फिर से पुलिस स्टेशन? अरे माँ आप क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, वो बुढ़ी सी ना उसने किया है। माँ क्यों आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसाती हो यार, अभी आप वहीं रुको, मैं बस पहुँच रहा हूँ। माँ मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो, जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूँ आप प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना। अच्छा अच्छा, चंगा चंगा, आ जा आ जा। ओके माँ, अभी ना हमेशा कुछ ना कुछ। उतर जल्दी, आप वैसे लेट हो गए। उतर ये सब क्या, यहाँ तक कोई नहीं है और ये लोग लाइट से सजावट क्यों हटा रहे? शादी तो इसी हॉल में थी। उत्तर पक्का हमने इसी हॉल में आना था ना, इसी जगह पर? हाँ माँ यही आना था। भैया ये सब क्या है, आपका तो रोका होना था, और कहाँ गए सब लोग? हाँ माना कि लेट हूँ, लेकिन इतना भी लेट नहीं कि सारे फंक्शन खत्म हो जाए। सब कहाँ गए? अरे वो चेयर हटाना वहाँ से। जी यहाँ शादी हो रही थी, क्या हो गया? जी वो तो हो भी गई, वैसे मैंने बहुत सी शादियाँ देखी हैं, मगर ऐसी शादी पहली बार देखी है। क्या जबरदस्त ड्रामा था। ड्रामा मतलब? अब आप ही मुझे बताओ, किसी शादी में पुलिस आकर किसी समधन को गिरफ्तार करती है क्या? जी ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। सीधे सीधे बता क्या हुआ, सीधे बोल।
जी देखिए, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, बस मैंने इतना देखा कि पुलिस आई और किसी बूढ़ी औरत को गिरफ्तार करके ले गई, और वो शायद लड़के वालों की तरफ से थी। थानेदार जी, उस बुढ़ी पे ना कोई बड़ा सा केस डालना, बुढ़ी मकार बुढ़ी है, जल्दी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कौन सा केस डालोगे जी आप उस पे? देखिए, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, इसका फैसला तो अदालत करेगी ना, और चार्ज शीट में क्या लिखना है ये तो हमने सोचा भी नहीं अभी तक। नहीं, पर तो आप भी तो अंदर करोगे ना, बात की बात क्या है, जब मैं बात करेंगे। चाचू, चाचू पूरी दादी, दादी अब ठीक हो ना? तू यहाँ क्यों आई है? तेरा होने वाला पति कहाँ है? भाई इस पौड़े से ना सिर्फ वही मुझे बचा सकता है। दादी उनका नंबर आंटी से भेजा रहे, चाचू कब से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करो, कोई वकील है जिनसे चाचू ने बात किया, वो आपको छुड़ा लेंगे। लेकिन दादी आप यहाँ आए कैसे? मतलब उस औरत के गहने आपके पास? वो ये ना सब उस जनानी की वजह से हुआ है, जान बूझ के फंसाया उसने मुझे। अरे जहाँ मैं गई थी ना तनु के माँ बाप के साथ गहने लेने, उसी दुकान में होगी, जान बूझ के अपना बक्सा मेरे थैले में डाल दिया होगा। तुझे याद है उस सब्जी मंडी में जो हंगामा किया था? वो जब सकेश जी को भी पहली बार मिली थी यहीं इसी थाने में, उन्होंने मुझे तो यहाँ से आजाद करवा लिया था, पर ये अटकी रह गई थी यहीं पे, बस उसी बात का बदला लेनी है। पर मैंने भी ना इसे छटना नहीं है, बहुत पछताएगी, लेने के देने ही नहीं पड़े ना इसे, तो मेरा नाम बदल देना तू। दादी आप कहो तो मैं जाकर बात करूँ, मैं कहूँगी कि केस वापस ले ले अपना। पागल हो ये तू, खबरदार ऐसा कुछ भी किया तो, जो बुरा होना था वो तो हो चुका। अरे इसने बेइज्जत कराना था मेरे को, कर दिया, तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। जिंदगी भर माथा ना पीटती रह गई ना, कि पंगा लिया तो किससे लिया, सवित्री दिवोल से है? देख रहा कैसा मजा चखाऊंगी मैं इसको। अब क्या कपड़े माँ? मैं थोड़े कुछ किता है, वो बुढ़ी थी ना सब उसी का किया कराया है, पता है चिद्द चोर तो पहले सी, हूँ वो चोरी पे उतर आई है। तूने मुझे वो झुमके दिलाए थे ना, वो दुकान से चुरा लिया उसने। हाय रब्बा, मैंने तो टेंशन में सारी रात नींद नहीं आई। मेरे बेटे ने पहली बार अपनी पहली कमाई से मुझे कुछ गिफ्ट दिया, और बेमानी तो उसने पहले भी की थी, पर इस बार तो मैं बचना नहीं हूँ। कौन सी औरत है माँ? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। तो दे फोन दे जरा, तू सकेश जी को दोबारा फोन करके देख। जी आपको पूरा यकीन है कि ये वही औरत है? पक्का मतलब? अरे किसी ने विक्की के पैसे हड़पे थे, किसी के चक्कर में मुझे इस थाने में आना पड़ा, किसी ने मेरे झुमके चुराए। मतलब इतने दिनों से इसकी दादी से मां की लड़ाई चल रही थी, और भाई का बिजनेस भी देविका की दादी ने ठप कराया था। रवि इस औरत का बेटा है जिसने मेरी दादी को झूठे केस में फंसाया। कोई काम कर, बाबूजी को फोन कर, बेकार में टेंशन ले रहे होंगे वो, मैं देखता हूँ ये लोग क्या कहते हैं, तू पकड़ फोन। इधर नहीं उधर बाहर जाके बात कर, यहाँ शोर इतना है, लोग इतने हैं, कुछ समझ नहीं आई तुमको। जाते हेलो, हाँ डिजाइन कल, हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हाँ दादू, वहाँ झमेला निपटा कि नहीं निपटा, और वो तेरे चाचू का वकील वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा? चाचू बहुत देर से पुलिस वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लॉयर उन्होंने बुलवाया था वो आया ही नहीं अभी तक। दादी तो बस साकेत जी का वेट करेंगे कि कब वो आएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही साकेत जी आएंगे पुलिस वाले उन्हें छोड़ देंगे। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताती रहना। हा? हाँ दादू, अब अपना ध्यान रखो। बाबूजी
ये पानी पी लीजिए। बाबूजी बहुत देर हो चुकी है और आपने कुछ भी नहीं खाया। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे में कौर गले के नीचे उतरेगा तू? तेरी सांस की अभी तक रिहाई नहीं हुई है, फिर मैं जानता हूँ की होने वाला है। मतलब ऐसा क्या होने वाला है बाबूजी? होगा ये, सुकेत वहाँ आएगा, अपने रुतबे का रोब जमाएगा और दादी को छुड़वा देगा। बस फिर क्या है, फिर तो तेरी सास जो है ना वो और महिमा गाएगी सुकेत जी की। कि पुत्र, सुरु जी पे इल्जाम लगना नहीं चाहिए था, लेकिन चल दूसरी तरफ इसी बहाने चुटकी का रोका चल गया।